हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बर्थ कंट्रोल पिल्स और मेथड्स के बारे में। महिला और पुरुष दोनों के लिए हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती है या फिर तरीके होते हैं जिसको एक तरीके से कहें परिवार नियोजन के लिए उपयोग होने वाले मेथड्स। दोस्तों, ज़्यादातर ये लोग क्यों करते हैं, जैसे कि कई बच्चे जो होते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं या फिर किसी का प्रेगनेंसी तुरंत हुआ है तो उनके बीच में गैप रखने के लिए इन मेथड्स का यूज़ किया जाता है। साथ में जिन लोगों का नया शादी हुआ है तो उनके लिए थोड़ा गैप रखने के लिए ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। महिला और पुरुष दोनों में ये अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में हम आगे। तो पहला मेथड्स मैं आपको बता देता हूँ पुरुषों के लिए, तो ये आते हैं दोस्तों। सबसे पहला मेथड जो बहुत ही ज़्यादा यूजेबल होता है, जो पहला आता है कॉन्डोम का यूज़, जो पुरुष बहुत ज़्यादा करते हैं और 99% इसका सक्सेस रेट होता है क्योंकि ये इजी टू यूज़ होता है। और 1% जो बच जाता है, कभी कभी कॉन्डोम फटने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा मेथड आता है पुरुषों के लिए आता है, वो होता है बैसेकोटोमी। ये दोस्तों एक प्रकार का छोटा सा सर्जरी होता है माइनर, जिसको पुरुष नसबंदी भी कहते हैं, लेकिन ये आप इसको रिवर्स भी करवा सकते हैं, यानी कि जैसे 4-5 साल हो गया है, कुछ समय हो गया तो उसको आप ओपन भी करवा सकते हैं। माइनर सा सर्जरी होता है, मतलब तुरंत ही, जैसे कि आज ही हो गया, तुरंत उसके बाद आप आराम से घर जा सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स वगैरह करना पड़ता है। बाकी इंडिया में ये चीज़ें नहीं होती है, ज़्यादातर लोग कॉन्डोम्स का यूज़ करते हैं। और वैसेकोटोमी करने से इतने लोग घबराते हैं कि उससे जो मर्दानगी है वो ख़त्म हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पुरुषों के लिए ज़्यादातर यही दो मेथड होते हैं और सबसे बेस्ट मेथड इसमें कॉन्डम ही यूजेबल होता है, जो एक अच्छा और बढ़िया होता है। आपको कॉन्डम वगैरह आराम से मेडिकल स्टोर में कई सारे ब्रांडेड कंपनी का भी मिल जाता है, और मैं आपको हमेशा यही सजेशन दूंगा किसी अच्छी कंपनी का आपको यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं महिलाओं के लिए उपयोग होने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। तो इसमें फेमस आता है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में कई सारी दवाइयाँ यूज़ होती है, जैसे कि लंबे समय तक यूज़ करने वाली, 20 से 25 दिन वाली, जैसे कि मालाडी हो गया आपका, सहेली हो गया, और ओविरालल जैसे हो गया, और अनवांटेड 72-21 डेज वाली भी आती है। तो ये दवाइयाँ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनके लंबे समय तक यूज़ करने थोड़ा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और इनमें दोस्तों अलग अलग वैरायटी आती है, जैसे कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है जो बच्चे को दूध पिलाती है, तो उनके लिए अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी जो अस्पताल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ से जाकर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर ही आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। मालाडी काफ़ी ज़्यादा पुराना ब्रांड होता है, जो मात्र 5 रुपये का देखने को मिल जाता है, और ये दवाइयाँ 5 रुपये से शुरू होकर 20 से 50 रुपये तक भी होती है। तो आप इसमें से कोई भी अच्छा एक यूज़ कर सकते हैं जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करें। कई लोगों को क्या होता है कि मालाडी शूट नहीं होती, सहेली शूट हो जाती है, तो इसमें आप इनका यूज़ कर सकते हैं। लंबे समय तक यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा बहुत इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे एक्ने होना, मोटापा होना जैसी कंडीशन देखने को हो सकती है। तो ये है दोस्तों पहला मेथड। दूसरा मेथड आया इसमें फीमेल्स कॉन्डोम भी यूजेबल होता है, जिसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। जो महिलाओं के पुरुष जो होते हैं यूज़ नहीं करना चाहते हैं कॉन्डोम, वो महिलाएं यूज़ कर सकती है। ये कॉन्डोम आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, 60 से 70 रुपये का मिल जाता है। लगभग 3 से 4 कॉन्डोम इसमें अवेलेबल होते हैं, जो आपको लगभग 1 से 2 दिन तक यूज़ करने होते हैं, और ईजिली आप इसको एप्लीकेटर भी कर सकते हैं, महिलाएँ जो होती है आराम से लगा भी सकते हैं। तीसरा मेथड आता है इसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो होती है 72 घंटों के अंदर होने वाली यूज़, जैसे अनवांटेड 72 हो गया, पिल्स हो गया, तो इनका ये यूज़ होता है। इनका यूज़ आपको हमेशा इमरजेंसी की कंडीशन में ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को होते हैं, तो ज़्यादातर इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। और आता है आपका नेक्स्ट आता है IUD एंड कॉपर टी। ये भी आपका पुराना, बहुत पुराना मेथड होता है। इसका सक्सेस रेट भी दोस्तों लगभग 96% इफेक्टिव होता है, और 3 से 12 साल तक के लिए इसको लगाया जा सकता है। यानी एक बार ही अगर आप इसको लगवा लेते हैं तो 3 से 12 साल तक की छुट्टी हो जाती है। लेकिन आपको हमेशा एक ही सजेशन दूंगा कि इसको लगाने के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा, और किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का ही कॉपर टी लगाए, भले थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाए, 1000 से 1200 या 1300 या 1500 ही लग जाए,
क्योंकि एक ही बार लगना है इसने तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हो जाती, क्योंकि कई लोगों का क्या होता है कि कॉपर टी की वजह से अनसक्सेसफुल राइड इसीलिए होते हैं क्योंकि वो एक लोकल कॉपर टी लगा देते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट मेथड आता है इसमें बर्थ कंट्रोल टैबलेट और इंजेक्शन के बारे में, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा कि भैया 3 महीने में एक बार लगाइए, 6 महीने में एक बार लगाइए। तो इंजेक्शन आते हैं कई बार, इंजेक्शन ऐसे आते हैं जो 3 महीने के लिए होते हैं, लेकिन इनमें यह प्रॉब्लम होती है कि जैसे आपका प्रॉपरली 3 महीना हो गया तो उसके तुरंत बाद आपने दूसरा डोज लेना है, अगर एक दो डोज ऊपर नीचे हो जाता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस हो जाते हैं। और जो टैबलेट होती है वो कई 3 महीने की 6 महीने की आती है, जैसे कि डिम्फा हो गया, आपका वी गैप टैबलेट्स हो गया, और सरकारी हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शन का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जो सेफ एंड इफ़ेक्टिव भी होती है और बढ़िया भी होते हैं। इस बारे में भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, नज़दीकी हॉस्पिटल्स में आप इनको इनके बारे में पूरी तरीके से जान सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है फीमेल्स के लिए, वो रिंग होता है एक तरीके से जिसको वजाइना के आगे लगाया जाता है, जिससे जब यौन संचारित होता है, सेक्स होता है, तो अंदर की तरफ जो होता है फर्टिलाइजेशन वगैरह की वीर्य के आगे नहीं जा पाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन या अंडाणु जो होते हैं आपस में मिल नहीं पाते और प्रेगनेंसी जो होती है कंसीव नहीं हो पाती। इसका 99% सक्सेस रेट देखने को मिलता है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा भी होता है। नेक्स्ट आता है इसमें डायफ्राम होता है, जिसके बारे में आपने खुद यूज़ कर सकते हैं, एक तरह का डायफ्राम होता है जिसको आगे बजाने से पीछे की तरफ लगाया जाता है, जो ओवरी जो गर्भाशय होता है उसको जस्ट आगे लगाया जाता है ताकि वीर्य जो होता है अंदर की तरफ ना जाए और प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। इसका सक्सेस रेट 92 से 96% तक देखने को मिलता है। अब जो रिंग जो होती है, रिंग के बारे में आपको एक और बात बताने भूल गया, ये रिंग जो होती है वो दवाइयों के साथ साथ जैसे असर करती है, जैसे कभी पेशेंट को बीमारी हो रही है, सपोज खांसी हो रही है, उल्टी हो रही है या दस्त हो रहे हैं, तो ये तब भी काम करती है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कि कई लोग क्या होता है इमरजेंसी दवाई खा लेते उल्टी हो जाती है, तो वो दवाइयाँ इफेक्टिवल नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं इसमें बेस्ट मेथड आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। पहला मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं बेस्ट जो होता है कॉन्डोम का ही यूज़ करें, जिसका 99% सक्सेस रेट होता है दोस्तों, और बहुत अच्छा होता है, प्लस एसटीडी डिजीज़ जैसे जो यौन संचारित रोग होते हैं उनसे भी बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। दूसरा इसमें मेथड आता है आप कॉपर टी का यूज़ कर सकते हैं, जो लंबे समय तक होता है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी देखने को मिला है, 96% का होता है, लेकिन आपको इसके बारे में भी पूरी तरीके से अच्छे से जान लेना है और डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट भी ज़रूर कर लेना चाहिए। तो दो मेथड मैंने आपको बताए हैं जो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट मेथड तो मैं हमेशा कॉन्डोम्स को ही सजेशन दूंगा जो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ दोस्तों प्रेगनेंसी या आपको गर्भ निरोधक की दवाइयों के बारे में आपको बताया है, मेथड्स के बारे में बताया है जो आप यूज़ कर सकते हैं कुछ समय के लिए या फिर लंबे समय तक के लिए वेबिन का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, पर्सनल मैसेज के लिए इंस्टाग्राम पर आप हमें डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।